एक छात्र स्कूल की कक्षा में प्रवेश करता है तो कक्षा के सभी छात्र उसको देखकर पूछते हैं, अरे भाई तुम इतने दिनों के बाद स्कूल क्यों आए हो? अरे तुम तो बहुत कमजोर लग रहे हो। छात्र बताता है, हाँ भाई मैं बीमार हो गया था, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। हम स्वास्थ्य के अच्छा होने का अर्थ जीवों या मानव के प्रभावी कार्य करने से लगा सकते हैं। इसी प्रकार यदि कोई छात्र कक्षा में रुचि लेकर पढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि छात्र की अभिवृत्ति ठीक है। और यदि छात्र पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा है तो कहते हैं कि छात्र की अभिवृत्ति स्वस्थ नहीं है। विवेक कुमार श्रीवास्तव के चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को देखने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। ऐसे ही और सभी जीवों का स्वास्थ्य उसके पास पड़ोस अथवा उसके आस पास के पर्यावरण पर आधारित होता है या फिर उस पर निर्भर करता है। हमारा सामाजिक पर्यावरण हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग अपने घरों के आसपास ही कूड़ा करकट फेंक देते हैं। यदि कूड़ा उठाने वाली एजेंसी वहां से कूड़ा करकट को प्रत्येक दिन उठाकर नहीं ले जाती तो वहां पर रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, यानी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। अतः सामुदायिक स्वच्छता व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रोग अथवा व्याधि क्या है? शब्द डिजीज यानी डिस जमा ईज स्वयं को वर्णित करता है, जिसे हम बाधित यानी डिस्टर्ब्ड आराम के रूप में समझ सकते हैं। बिना किसी रोग के भी आप अस्वस्थ हो सकते हैं। केवल कोई रोग ना होने का अर्थ ये नहीं है कि आप स्वस्थ हैं। संगीतकार के लिए स्वस्थ होने का अर्थ है कि वो लंबा श्वास ले सके, जिससे वो अपनी बांसुरी में स्वर को नियंत्रित कर सके। हमारे शरीर में अनेक ऊतक होते हैं। ऊतक हमारे शरीर के क्रियात्मक तंत्रों अथवा अंग तंत्रों को बनाते हैं, जो कि शरीर के विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। प्रत्येक अंग तंत्र में विशेष अंग होते हैं, उनके विशेष ही कार्य होते हैं। पाचन तंत्र में आमाशय तथा आंत्र होते हैं, जो हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पचाते हैं। इसी तरह पेशियों तथा अस्थियों से बना पेशी कंकाल तंत्र हमारे शरीर को संभालता है और हमारे शरीर को गति करने में भी मदद करता है। रोग के लक्षण हमारे शरीर के किसी अंग में खराबी का संकेत देते हैं। इस प्रकार सिर दर्द, खांसी, दस्त, किसी घाव में पस आना सभी रोग के लक्षण हैं। लेकिन इन लक्षणों से ये पता नहीं चलता कि रोग कौन सा है। रोग के चिन्ह वे हैं जिन्हें चिकित्सक
लक्षणों के आधार पर देखते हैं। चिकित्सक रोग के सही कारण को जानने के लिए प्रयोगशाला में कुछ परीक्षण भी कराता है। कुछ रोगों की अवधि कम होती है और उन्हें तीव्र रोग कहते हैं। हम देखते हैं कि जुकाम और खांसी आदि कुछ ही समय तक रहते हैं, इसी कारण इन्हें तीव्र रोग कहा जाता है। तीव्र रोग जो बहुत कम समय तक रहता है, वो सामान्य स्वास्थ्य को कम प्रभावित करता है। जैसे कि खांसी जुकाम अधिकतम एक सप्ताह में ठीक हो जाता है। तीव्र रोग से रोगी के शरीर का भार कम नहीं होता है और ना ही वो थकान महसूस करता है। कुछ रोग हमारे जीवन भर चलते हैं। इस प्रकार के रोग को दीर्घकालिक रोग कहा जाता है, जैसे कि फील पांव यानी एलिफेंटाइटिस। कुछ अन्य रोग जैसे कि फेफड़ों का क्षय रोग दीर्घकालिक रोग हैं और ये वर्षों तक चलता रहता है। इस बीमारी के कारण रोगी को कोई भी कार्य करने में थकान महसूस होती है और रोगी का वजन भी कम होने लगता है। एक छोटा बच्चा पतले दस्त यानी लूज मोशन से ग्रस्त है तो हम कह सकते हैं कि बच्चे को पतले दस्त वायरस के कारण है। और हम जानते हैं कि वायरस दूषित जल में पाए जाते हैं, लेकिन ये दूषित जल बहुत से बच्चे पीते हैं, लेकिन पतले दस्त सभी बच्चों को नहीं होते। जो बच्चे स्वस्थ नहीं होते, अधिकांश वही बच्चे वायरस से पीड़ित होते हैं। स्वस्थ बच्चों को वायरस बहुत कम प्रभावित करता है। पीड़ित बच्चे का स्वस्थ ना होना भी कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि बच्चे को उचित भोजन का ना मिलना, परिवार का निर्धन होना, पीने के पानी का दूषित होना या फिर साफ जल का उपलब्ध ना होना। और इस बात पर भी निर्भर करता है कि जहां पर बच्चा रहता है वहां पर लोक सेवाओं की उपलब्धता है या नहीं। अतः बच्चे का बीमार होना कई बातों पर निर्भर करता है। संक्रामक कारक। संक्रामक कारक अधिकांशतः सूक्ष्म जीव होते हैं। वे रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। इसका कारण ये है कि रोग कारक सूक्ष्म जीवों के समुदाय में फैलने से रोग भी फैल जाते हैं, जैसे हैजा, क्षय रोग आदि। असंक्रामक कारक। कुछ रोग संक्रामक कारकों के द्वारा नहीं फैलते, उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं, जैसे कि कैंसर आनुवांशिक असामान्यता के कारण होता है। उच्च रक्तचाप का कारण अधिक वजन का होना और व्यायाम ना करना है। जो लोग व्यायाम करते हैं उन्हें इस तरह की बीमारियां होने की संभावना कम होती है। रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। वायरस, जीवाणु,
कवक, एक कोशिक जीव प्रोटोजोआ, बहुकोशिक जीव कृमि, वायरस से होने वाले सामान्य रोग हैं खांसी जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार और एड्स। वायरस में गुणन अत्यंत तेजी से होता है। सामान्यतः एंटीबायोटिक वायरस संक्रमण पर प्रभावकारी नहीं है। यदि हम खांसी जुकाम से ग्रस्त हैं, तो एंटीबायोटिक लेने से रोग की तीव्रता या उसकी समय अवधि कम नहीं होती। यद्यपि यदि वायरस संक्रमित खांसी जुकाम के साथ बैक्टीरिया संक्रमण भी है, तब एंटीबायोटिक का उपयोग लाभदायक होता है। टाइफाइड बुखार, हैजा, क्षय रोग तथा एंथ्रेक्स आदि रोग जीवाणुओं के द्वारा फैलते हैं। कुछ जीवाणु परपोषी की कोशिकाओं में रहते हैं, जैसे कि मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम। जीवाणुओं में गुणन अत्यंत तेजी से होता है। लगभग सभी जीवाणुओं में जैव प्रक्रियाएं समान होती हैं। इसके परिणाम स्वरूप औषधि जो किसी जीवाणु वर्ग के किसी एक जीवाणु की जैव प्रक्रिया को रोकती है, उस वर्ग के अन्य सदस्यों पर भी इसी प्रकार का प्रभाव डालती है। एंटीबायोटिक्स सामान्यतः जीवाणु के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देते हैं, लेकिन बहुत से जीवाणु अपनी रक्षा के लिए कोशिका भित्ति बना लेते हैं। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक जीवाणु की कोशिका भित्ति बनाने वाली प्रक्रिया को रोकती है तथा जीवाणु आसानी से मर जाते हैं। जंतुओं की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती, इसी कारण पेनिसिलिन का प्रभाव मानव कोशिकाओं पर नहीं होता। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक ऐसे सभी जीवाणुओं को प्रभावित करती है जिनमें कोशिका भित्ति होती है। इसी कारण बहुत सी एंटीबायोटिक्स जीवाणुओं की अनेक स्पेशीज को प्रभावित करते हैं। हवा द्वारा फैलने वाले रोग। कुछ रोगों के सूक्ष्म जीव हवा के द्वारा एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ मनुष्य तक फैलते हैं। जब कोई रोगी छींकता है, खांसता है, तो उस समय छोटे छोटे बूंदक बाहर निकलते हैं। जब उनके समीप कोई स्वस्थ व्यक्ति हो, तो श्वास के द्वारा ये बूंदक उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। वायु द्वारा फैलने वाले रोगों के उदाहरण हैं खांसी जुकाम, निमोनिया और क्षय रोग। जल द्वारा फैलने वाले रोग। हैजा से ग्रसित रोगी के अपशिष्ट पेयजल में मिल जाते हैं, और यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति अपशिष्ट मिले जल को पीता है, तो रोगाणु जल के द्वारा स्वस्थ मनुष्य के शरीर में चले जाते हैं। लैंगिक क्रियाओं द्वारा फैलने वाले रोग। एड्स और सिफिलिस आदि रोग लैंगिक क्रियाओं के द्वारा एक रोगी से स्वस्थ व्यक्ति तक फैलते हैं। एड्स लैंगिक संपर्क के अलावा
रक्त स्थानांतरण के द्वारा भी फैलता है। जैसे एड्स से ग्रसित व्यक्ति का रक्त स्वस्थ व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाता है, तो स्वस्थ व्यक्ति भी इससे प्रभावित हो जाता है। इसी प्रकार एड्स से पीड़ित महिला से उसके होने वाले बच्चे को भी ये रोग हो सकता है। गर्भावस्था में रोगी माता से अथवा शिशु को स्तनपान के द्वारा भी ये रोग हो सकता है। कुछ रोग जंतुओं के द्वारा फैलते हैं। ये जंतु रोगाणुओं को रोगी से लेकर स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं। जंतु इसमें रोग वाहक यानी वेक्टर का कार्य करते हैं। मच्छर अनेक समतापी प्राणियों पर निर्वाह करते हैं, जैसे कि मनुष्य। इस प्रकार वो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्यों को रोग फैलाते हैं। सांस लेते समय सूक्ष्म जीव या जीवाणु हमारी नाक के द्वारा फेफड़ों में पहुंच जाते हैं। और ये जीवाणु क्षय रोग का कारण बनते हैं। जिस ऊतक अथवा अंग पर सूक्ष्म जीव आक्रमण करता है, रोग के लक्षण और चिन्ह उसी पर निर्भर करते हैं। यदि फेफड़ों पर आक्रमण होता है, तब रोगी को खांसी होती है या फिर सांस लेने में परेशानी होती है। यदि सूक्ष्म जीव या जीवाणु मुंह के द्वारा हमारी आहार नाल में प्रवेश करते हैं, तो हमें टाइफॉइड रोग हो जाता है। और कुछ जीवाणु हमारे यकृत में प्रवेश करके हमें पीलिया भी कर सकते हैं। इसी प्रकार कुछ जीवाणु हमारे मस्तिष्क पर आक्रमण करते हैं। जिसके कारण सिर दर्द, उल्टी आना, चक्कर आना और बेहोशी आना होगा। HIV वायरस जो लैंगिक अंगों के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है, लसिका ग्रंथों में फैल जाता है, जिसके कारण प्रतिरक्षा तंत्र कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। इसी वजह से हमारा शरीर प्रतिदिन होने वाले छोटे छोटे संक्रमणों का मुकाबला नहीं कर सकता। इसी कारण HIV ग्रसित एड्स रोगी की मृत्यु हो जाती है। मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव जो मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करते हैं, यकृत में चले जाते हैं और उसके बाद लाल रुधिर कोशिकाओं में आ जाते हैं। जापानी मस्तिष्क ज्वर उत्पन्न करने वाला वायरस भी मच्छर के काटने से शरीर में पहुंचता है और ये मस्तिष्क को संक्रमित करता है। संक्रमण से शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र क्रियाशील हो जाता है। एक सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित ऊतक के चारों ओर रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए अनेक कोशिकाएं बना देता है। नई कोशिकाओं के बनने के प्रक्रम को शोथ कहते हैं। इस प्रक्रम के अंतर्गत
स्थानीय प्रभाव जैसे कि फूलना, दर्द होना और सामान्य प्रभाव जैसे कि बुखार होते हैं। संक्रमण रोगों के उपचार के दो उपाय हैं। पहला उपाय तो ये है कि रोग के प्रभाव को कम कर दिया जाए और दूसरा उपाय ये है कि रोग के कारण को समाप्त कर दिया जाए। पहला उपाय बुखार दर्द को कम करने के लिए हम कुछ दवाइयों का उपयोग करते हैं और आराम करके ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं, जो स्वस्थ होने में हमारी सहायक होगी। दूसरा उपाय, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को हम औषधियों के द्वारा नष्ट कर देते हैं। हम ऐसी औषधियों का उपयोग करते हैं जो हमारे शरीर को प्रभावित किए बिना ही बैक्टीरिया के संश्लेषी मार्ग को रोक सके। ऐसा एंटीबायोटिक से संभव है। कुछ ऐसी औषधियां हैं जो मलेरिया के परजीवी प्रोटोजोआ को मारती हैं। एंटीवायरल औषधियों का बनना एंटीबैक्टीरियल औषधि की अपेक्षा कठिन है, क्योंकि बैक्टीरिया में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली होती है, जबकि वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। रोग के निवारण की दो विधियां हैं। सामान्य विधि, रोगी से दूर रहें। इससे हम संक्रामक सूक्ष्म जीवों से बचाव कर सकते हैं। वातोड़ सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए हमें खुले स्थानों पर रहना चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म जीव वातावरण में घूमते रहते हैं। एक रोगी से अन्य स्वस्थ लोग भी रोगी बन सकते हैं। कुछ रोगों के सूक्ष्म जीव जल के द्वारा फैलते हैं, इन्हें जलोढ़ कहते हैं। इनसे बचने के लिए हमें स्वच्छ जल पीना चाहिए। यदि हमारे आसपास कोई व्यक्ति सूक्ष्म जीवों से संक्रमित है, तो हो सकता है कि उससे आसपास रहने वाले व्यक्ति भी रोग से पीड़ित हो जाएं। लेकिन सभी व्यक्ति संक्रमित नहीं होते। इसका कारण है हमारे शरीर में स्थित प्रतिरक्षा तंत्र, जो रोगाणुओं से लड़ता रहता है। हमारे शरीर में विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, जो रोगाणुओं को मार देती हैं। गंभीर संक्रामक रोग प्रतिरक्षा तंत्र की असफलता को इंगित करता है। विशिष्ट विधियां, कुछ संक्रामक रोगों को रोकने के लिए टीकाकरण किया जाता है। लगभग 100 वर्ष पूर्व चेचक एक महामारी का रूप ले चुकी थी। ऐसी अवस्था में लोग रोगी के पास जाने से डरते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उन्हें भी चेचक ना हो जाए। चेचक से शरीर पर दाग हो जाते थे। चेचक एक बार हो जाने के बाद उस व्यक्ति को दोबारा इस रोग के होने की संभावना नहीं होती। जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र पर पहली बार आक्रमण करता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र
रोगाणुओं के प्रति क्रिया करता है और फिर इसका विशिष्ट रूप से स्मरण कर लेता है। इस प्रकार जब वही रोगाणु या उससे मिलता जुलता रोगाणु संपर्क में आता है तो शरीर पूरी शक्ति से उसे नष्ट कर देता है। ऐसे बहुत से टीके आजकल उपलब्ध हैं, जो संक्रामक रोगों का निवारण करते हैं, जैसे टेटनस, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, चेचक, पोलियो और हेपेटाइटिस आदि। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।